हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। आज मैं आप लोगों को हमारे वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि जो हम लेडीज़ पैंट या ट्राउज़र बनाते हैं उसमें साइड में ये क्रॉस पॉकेट कैसे लगाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बताया है, तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पैंट है उसकी कटिंग करने के बाद जो साइड से फैब्रिक बचता है उसको मैंने फोर फोल्ड करके इस तरह से ले लिया है। अब हम इसकी टोटल लेंथ लेंगे 13 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच लेंगे। इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये स्टैंडर्ड साइज है, सभी के लिए सेम साइज आएगा पॉकेट बनाने के लिए लेडीज़ के लिए। नीचे भी 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और अब हम यहाँ पर इस तरह से मार्क देंगे। ऊपर से सीधा ड्रॉ करेंगे और नीचे इस तरह से हल्का सा राउंड कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब हमें एज इट इज़ कट कर लेना है इसे। तो देखिए कट करने के बाद यहाँ पर हमारा दो पॉकेट अलग हो गया है। मैंने यहाँ पर फोर फोल्ड किया था, दोनों पॉकेट की कटिंग साथ में कर ली है। अब हम इसे पैंट में अटैच करेंगे। तो हमारे पैंट का जो फ्रंट पार्ट है उसको हम लेंगे इस तरह से। मैंने ऑलरेडी आसन अटैच करके रख लिया है। अब हम यहाँ साइड से इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से देखिए 8-9 इंच पर, इस तरह से मैं अभी 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से क्रॉस निशान लगा लेंगे। उसके ऊपर हम पॉकेट को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और सेम मार्किंग हम इसके ऊपर भी कर लेंगे, ताकि हमें सिलाई लगाना है तो मार्क रहेगा, इसलिए सिलाई लगाने में इजी होगा। तो हम यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद पॉकेट को अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेंगे किनारे से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद देखिए इसका लुक इस तरह से आया। अब हम देखिए पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमारा राउंड शेप है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए मैंने पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड किया है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधी साइड फोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे सीधी साइड पलट लेंगे इस तरह से और उसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे, ताकि जो हमारा मार्जिन है वो सिलाई के अंदर दब जाए। जब हम पॉकेट में हाथ डालेंगे तो मार्जिन का कपड़ा हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा पॉकेट अटैच हो गया है, पैंट के अंदर की तरफ पॉकेट हो गया है। अब बाहर जितना हमने पैंट का कपड़ा जो 2.5 इंच का निशान लगाकर सिलाई में लिया था उतना हम पॉकेट के फैब्रिक से एडजस्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। स्टार्टिंग में जो हमने पैंट के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाया था यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से पैंट को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे भी सिलाई लगाएंगे और ऊपर भी। देखिए ऊपर हमारा 1.5 इंच का बेल्ट आएगा और उसके बाद 1 इंच और, तो हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके नीचे हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए ये जो बीच में 6 इंच का निशान लगाए पॉकेट में हाथ डालने के लिए है। ऊपर हम 1 इंच तक सिलाई लगाकर फिक्स करेंगे और नीचे भी हम सिलाई लगाकर पॉकेट को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी ऊपर 1 इंच तक। इस तरह से घुमाते हुए सिलाई को हम बाहर निकाल लेंगे और हमारी सिलाई भी डबल हो जाएगी। अब हम नीचे की तरफ इस तरह से हमें पॉकेट को खींचना है, ताकि ये जो हमारा पैंट है जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है किनारे पे वहाँ पर लूजिंग नहीं आना चाहिए, एकदम टाइट होना चाहिए। अब नीचे हम इस तरह से सिलाई लगाकर इसे भी अटैच कर लेंगे पॉकेट को और पैंट को। तो देखिए इस तरह से अब हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। देखिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।